लोकसभा चुनाव का मौका है और ऐसे में आरजेडी प्रदेश कार्यालय में आप देखिए कि किस तरह से चुनाव प्रचार सामग्री का स्टॉल लगा है, टी शर्ट से लेके होर्डिंग और तमाम जो चीज़ें चुनाव सामग्री के तौर पर मिलती है वो सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। आइए कुछ चर्चा कर लें हम लोग, चुनावी चर्चा भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि माहौल है इस वक्त चुनावी महाभारत का। गगन जी हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं, सीनियर लीडर भी हैं। गगन जी, क्या कुछ चल रहा है आरजेडी में इस वक्त? बहुत बढ़िया चल रहा है, 400 क्षेत्र में प्रचार का जोरों पर है, हमारे सारे वर्कर लगे हुए हैं, हमारे नेता का दौरा हो रहा है तेजस्वी जी का, लगातार हर जगह मीटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जिस जंग से फीडबैक आ रहा है क्षेत्रों से, 40 के 40 क्षेत्रों में महागठबंधन के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। अच्छा, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह अभी अभी कैरियर शुरू किए हैं, वो तो आ गए RLSP में, उसमें क्या बुराई है? नहीं, हमने की अगर पिताजी अगर कांग्रेस में है, उनका लड़का अगर रालोसपा में मने आता है, तो उसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं, नहीं क्या हमने की आप मतलब देख, राधा मोहन सिंह के बड़े मतलब लीडर के सामने आपको मतलब कोई कैंडिडेट, राधा मोहन सिंह खत्म हो गए, टिकेंगे नहीं वहां पर। राधा मोहन सिंह अब बने, जैसे ही आकाश का आया है नाम, उसके बाद उनकी बेचैनी छूट रही है जी। चलिए, तो बेचैनी तो अभी जारी रहेगी क्योंकि अभी फर्स्ट सेकंड के बाद कई फेज का इलेक्शन होने हैं। हाँ। लेकिन एक सवाल, आखिरी सवाल है कि क्या महागठबंधन के अंदर जो आरजेडी की जो पार्टी है, आरजेडी के अंदर भी कई मोर्चे बन रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? कहीं कोई मोर्चा नहीं है। देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी है, बड़ा जनाधार वाली पार्टी है, नेताओं की बड़ी तादाद है, कार्यकर्ताओं की आप देख रहे हैं कि बिहार में आप जहाँ जिस कोना में जाइए आरजेडी के लोग आपको मिल जाएंगे। तो स्वाभाविक है, राजनीति है, लोग उम्मीद करते हैं, लोगों को आशा रहती है, और चूंकि एक माहौल बना हुआ है महागठबंधन के पक्ष में, इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ पर दावेदारों की संख्या ज़्यादा होगी, इसलिए चयन में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कहीं कोई उसमें परेशानी नहीं है। ये तो और शुभ चीज़ है, ये उसके पास टिकट लौटा रहा है, यहाँ पर टिकट के लिए जो है सो लाइन लगा हुआ है। इसका मतलब लोग यह मान चुके हैं कि महागठबंधन से जिसको टिकट मिलेगा वह जीतेगा। महागठबंधन के पक्ष में माने जो अभी बयार चल रहा है, जो आंधी का रूप लेने वाला है, इसका जो सही सब पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखा आपने कि किस तरह से चितरंजन गगन जी ने कहा कि बयार बह रही है, हवा बह रही है आरजेडी की तरफ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी होगा क्योंकि इलेक्शन तो अभी शुरू हुआ है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ कुमार गौतम, AV News पटना।